Hello friends, let's talk about some important question for your exam. ऐसे question आपके UGC exam में या फिर आपके UPSC के exam में या CGL के exam में पूछे जा सकते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण question है, इनके बारे में देखते हैं. और friends, मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे पढ़ते रहते हैं, कई बार पढ़ा है आपने, चीज़ों को याद किया है, लेकिन basic problem जब ये होती है कि जब हमारे सामने question होता है, हम उसको ये नहीं समझ पाते कि इसमें सही क्या करना है. कई बार हम question को जानते हुए, उसका आंसर जानते हुए भी उसको गलत कर देते हैं. तो यहाँ पे आज कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं कि कैसे करना है. पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज जो लिखा गया है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, ये बताना है. ओके फ्रेंड्स, मैं पहले वाले भी वीडियो में आपसे कह चुका हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को भली भांति समझ जाएंगे तो उसका आंसर देने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी. यहाँ पर पूछा गया है राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत. क्या पूछा गया है? भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है. आपके सामने कुछ ऑप्शन है, जनता, संविधान, संसद और राष्ट्रपति. फ्रेंड्स, अगर आप सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इन पर विचार करना चाहें तो आप देखेंगे राजनैतिक सत्ता. ओके, तो आप ये बात जान लीजिए, जो हमारा भारत देश है इसमें जो राजनैतिक सत्ता होती है उसका प्रमुख स्रोत जनता ही होती है. क्या होती है? जनता होती है. अब क्यों होती है ये बात को समझिए. देखिए, आपने जो भारत की मतलब भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है उसको पढ़ा होगा, तो उसमें मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, शुरुआत में हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग से क्या मतलब है, भारत की जनता से मतलब है. ओके, तो क्या मतलब हुआ, भारत की जो जनता है वो क्या है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत होती है. और फ्रेंड्स, यहाँ पे जान लीजिए भारत कैसा एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित होती है, यानी जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होता है, जो जनता के स्वामी ना होकर क्या होते हैं, सेवक होते हैं. यानी राजनीतिक सत्ता जनता का ही प्रमुख स्रोत है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है. ओके फ्रेंड्स, तो पहला आपका आंसर हो गया. तो ये संविधान, संसद, ये आंसर नहीं है, इन पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है. ओके, जो दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है. ओके, यहाँ पर भी देखिए पूछा गया है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, यानी क्या जो प्रजातंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है, इस बात को समझना है. पहला ऑप्शन क्या है, संविधान यहाँ लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या फिर जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, या फिर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है. तो फ्रेंड्स, आप पहले प्रजातंत्र का मतलब जानते होंगे. प्रजातंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र जो कि प्रजा यानी जनता के द्वारा बनाया गया हुआ तंत्र होता है. ओके, डेमोक्रेटिक बोलते हैं, इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, प्रजातंत्र जब ऐसा तंत्र होता है जिसमें लोगों को यानी प्रजा को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, तो सीधी सी बात है, तो प्रजातंत्र किस पर आधारित होगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, इसका यही ऑप्शन होगा. अगर आप सोचिए थोड़ा सा, तो ये फर्स्ट और सेकंड और डी इनमें से कोई नहीं है. फ्रेंड्स, थोड़ी सी बात, अगर मौलिक अधिकार सामने अगर लिखा है तो मैं इसके बारे में बोल दूंगा. अपना जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1235 के बीच में इसके बारे में बात कही गई है. फ्रेंड्स, इस बारे में ध्यान रखना आप, अनुच्छेद 1235 में क्या कहे गए हैं, मौलिक अधिकार के बारे में बात कही गई है. तो फ्रेंड्स, दूसरा आंसर भी हो गया. आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है. फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप मतलब जानते हुए भी इनको गलत कर लेते हैं, तो बेसिकली समझने का प्रयास करें. कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं. ये आपके सामने क्या दिया गया है, ये आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है. तो पहले आप समझिए, इसमें पूछा क्या है कि कल्याणकारी राज्य, क्या पूछा गया है, कल्याणकारी राज्य, जैसा कि आप देख रहे हैं. ओके, जो कल्याणकारी राज्य है इसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब राज्य द्वारा, क्या राज्य द्वारा देश की अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना. ओके, यानी जो कल्याणकारी राज्य है इसका आशय क्या है, राज्य द्वारा देश की अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कल्याणकारी
राज्य में क्या होता है, उदारवाद और समाजवाद को अंतर्निहित करने का प्रयास किया जाता है। ओके, जैसे अपना मतलब भारत है, भारत एक कैसा कल्याणकारी राज्य है। ओके, ये बात भी ध्यान रखना, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ओके फ्रेंड्स, और जैसा कि आपने साथ पढ़ा भी होगा, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग चार में ऐसा बोला गया है कि भाग चार में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनमें भी क्या है, उनमें भी राज्य की मतलब कल्याणकारी अवधारणा की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन और हैं, तो इनमें से जो मेन आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मानना सही है, जो है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है, इस बात को याद रखना, इसमें और ऑप्शन सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, निम्न में से कौन सही है, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सही है। पहला इसमें क्या लिखा है, जो सामाजिक समानता है संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, यानी जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें बोला गया है कि जो सामाजिक समानता है संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ओके, दूसरा ऑप्शन बोला है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए मतलब जैसे अगर बी ऑप्शन को देखना चाहें तो देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं है, यानी आपने बी क्रॉस कर दिया, यानी ए नहीं है। अब देखिए ए ऑप्शन में लिखा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो आप सोचिए इंडियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो वहां पे ऐसा कैसे हो जाएगा कि सामाजिक समानता की बात नहीं कही गई होगी। ओके ना, तो आप सोच सकते हैं। वैसे अगर मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो जो अपना संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 के तहत क्या हुआ है, जो अनुच्छेद 14 से 18 है किसके बीच में, जो 14 से लेके 18 की बात कही गई है, उसके तहत जो समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जिसमें सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। ओके फ्रेंड्स, यानी 14 से 18 के बीच में सामाजिक समानता की बात कही गई है, इसलिए क्या है हमारा सी ऑप्शन सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपको समझ लेना है, बहुत कंफ्यूजन नहीं होना है। फ्रेंड्स, कई बार बहुत सारी बुक्स पढ़ लेने के बाद, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लेने के बाद, लेकिन हम कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, जहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं ऐसे सिंपल सिंपल, हमें समझ में नहीं आता कि ये सही है, होता क्या सभी सही लगते हैं, तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि रिजेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन को, सॉरी ऑप्शन को रिजेक्ट करो, सिलेक्ट करो कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं हो सकता है, उस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और लास्ट में बस ये बोलना चाहूँगा कि ये आज पॉलिटिकल का यानी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए हैं, और साइकोलॉजी के भी मैं डिफाइन करता हूँ, और इन्वायरमेंटल साइंस के भी। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आंसर आते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।